दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और रवि विश्नोई को भारत की शान और बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले का नहीं निकल पा रहा था कोई नतीजा, बार बार हो रहा था मुकाबला ड्रॉ, दो बार हुआ सुपर ओवर मैच और फिर रवि विश्नोई ने करवाई जादुई गेंदबाजी, ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला रोहित शर्मा की सलाह से। तो सुपर ओवर का पूरा मैच देखने के लिए बने रहिएगा आप भी अंत तक वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और रवि विश्नोई किसकी वजह से भारत सुपर ओवर में मैच जीता, आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मुकाबला इतिहास के पन्नों में लिखा जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त किया। हुआ ये था कि यहाँ पर भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यहाँ पर टीम इंडिया 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 212 रन बना पाने में कामयाब रही। हालांकि भारत के लिए यहाँ रोहित शर्मा ने 121 रन जड़कर शतक पूरा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह का बल्ला चला और उन्होंने 69 रन बनाकर भारतीय टीम को 200 रन के आंकड़े के पार पहुंचाया। अब अफगानिस्तान भारत के आगे बहुत छोटी टीम है और लगता है कि अफगानिस्तान की टीम कभी इतना बड़ा स्कोर बना ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तानियों ने हमारे गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाकर इस मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त कर दिया। अब दोस्तों, मुकाबला जब ड्रॉ हो जाता है तो सुपर ओवर खेलना तो दोनों टीमों के लिए लाजमी था और यहाँ पर जब अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनकी तरफ से गुलबदीन नाइब और रहमानुल्लाह गुरवाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए, जहाँ दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर पाते। उससे पहले ही गुलबदीन नाइब को रन आउट कर दिया विराट कोहली ने, जो कि 1 रन बनाकर ही चलते बने। तो वहीं पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद मुकेश कुमार ने फिर अगली गेंद मोहम्मद नवी को यॉर्कर लेंथ की डाली, जिस पर 1 रन मिला। फिर अगली गेंद पर मुकेश कुमार ने बाहर जाती हुई गेंद डाली, लेकिन वहां एज लगकर रहमानुल्लाह गुरवाज को 4 रन मिल गए और फिर अगली गेंद पर रहमानुल्लाह गुरवाज 1 रन भाग गए और 5वीं गेंद पर मोहम्मद नवी ने छक्का जड़ दिया और अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ 13 रन बटोर लिए। लेकिन अंतिम गेंद पर एक गलती के चलते यहाँ काफी ड्रामा देखने के लिए मिला। जी हाँ दोस्तों, जब अंतिम गेंद संजू सैमसन ने फेंकी तो वो मोहम्मद नवी के पैर से लगकर दूर चली गई, जिसके चलते यहाँ पर रोहित शर्मा काफी भड़कते हुए भी नजर आए, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ बेईमानी की और 3 रन उनको मिल गए बेफिजूल के, जिसके चलते यहाँ अफगानिस्तान 16 रन बना पाने में अब कामयाब हो पाई और भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 17 रन का 6 ओवर में बनाने के लिए। हालांकि टीम इंडिया के लिए स्कोर इतना बड़ा था नहीं, क्योंकि भारत की टीम के 2 बल्लेबाज रोहित शर्मा और रिंकू सिंह बिल्कुल फॉर्म में चल रहे थे। और दोस्तों, फिर क्या था, यहाँ पर पारी की शुरुआत करने के लिए आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मिलकर यहाँ सुपर ओवर में 17 रन ही बना पाए, जिसके चलते दोस्तों मुकाबला फिर से ड्रॉ पर समाप्त हुआ और अब दूसरा सुपर ओवर मुकाबला खेला गया, जहाँ इस मुकाबले में अब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और अपने 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन बनाए। इस बीच रोहित शर्मा ने 3 गेंदों पर 11 रन, तो वहीं रिंकू सिंह पहली गेंद पर चलते बने थे और यहाँ पर अफगानिस्तान को जीतने के लिए 12 रन की दरकार थी और अफगानिस्तान ने तो सोचा भी नहीं होगा कि रवि विश्नोई गेंदबाजी करवाने के लिए आएंगे और रवि विश्नोई उनको ऐसा चलता करेंगे कि उनको 1 रन बनाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। और यहाँ 2 विकेट लेकर रवि विश्नोई ने भारतीय टीम को इस सुपर ओवर मुकाबले में जीत दिलाई। हालांकि आपको हम बता दें कि अफगानिस्तान के लिए जहाँ मोहम्मद नवी पहली गेंद पर आउट हुए, तो वहीं रहमानुल्लाह गुरवाज भी पहली गेंद पर चलते बने। रवि विश्नोई ने सीधा रिंकू सिंह के हाथों कैच थंबाया और यहाँ पर रिंकू सिंह ने कोई गलती की नहीं और इस मुकाबले को पूरी तरह से रिंकू सिंह की बदौलत भारत की टीम ही जीत पाई है। और अब आप सभी की क्या राय है सुपर ओवर में मिली भारत को इस शानदार 10 रन से जीत के बाद, और आप भारत की जीत पर किस बल्लेबाज और गेंदबाज को श्रेय देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।